रायपुर रानी में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों को पुलिस का बिल्कुल भी लगता है खौफ नहीं है। नया मामला एक दुकानदार से लूट की कोशिश का सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा में तिलोकपुर मोड़ के पास करियाना की दुकान करने वाले एक दुकानदार को कुछ अज्ञात युवकों ने मिर्ची पाउडर से हमला कर लूटने की कोशिश की। और रायपुर निवासी इस व्यक्ति का हालांकि बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन इसका ये कहना है कि दुकान बंद करके वो घर जा रहा था, तब इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिखी गुरुद्वारा के नजदीक ये जब पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात युवकों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर से हमला कर दिया और उसे लूटने की कोशिश की। दुकानदार ने शोर मचाया, लुटेरे भाग गए और दुकानदार बच गया। ताज मोहम्मद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुरानी से। ताज, क्या वाकया था पूरा और फिलहाल पुलिस की दिशा में अब कार्रवाई कर रही है, क्या ये बड़ा लूट गिरोह है या फिर कोई नौसिखिए थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या निकल के सामने आ रहा है? अगर देखा जाए तो रायपुर रानी में दिन प्रतिदिन लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसी रात के समय कल एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकला था अपने पिताजी के साथ, तो उसके रास्ते में रोककर मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में डालकर तीन बाइक सवार युवकों ने उसको लूटने की कोशिश की। उसके शोर मचाने पर वो वहां से मौके से भाग गए। धन्यवाद आपका। तो मौके से भाग गए हैं लुटेरे जिनको ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है और कहा जा रहा है कि आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और लूटने की कोशिश जो थी वो असफल रही, लेकिन दुकानदार बच गया। फिलहाल इसके बयान दर्ज हो गए हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसमें आरोपी लोकेश शर्मा की ओर से लगाई गई याचिका में सुनवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश